हेलो अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक विद अनदर न्यू व्लॉग। टुडे वी आर एट सालारजंग म्यूजियम। तो हम लोग अंदर गए, गाड़ी पार्क कर दिए, उसके बाद कैश के रास्ते फिर रहे थे। कैश मिला नहीं हम लोगों को, कैश नहीं मिलने की वजह से क्या है पूरा देख लिया। एटीएम में गए, एटीएम में भी नहीं निकला। तो आइसक्रीम वाले को पूछे तो उन्होंने बोले पहले एक आइसक्रीम लो 25-25 रुपए की, उसके बाद कैश देता हूँ बोले। तो ले लिया हमने आइसक्रीम, हम लोग अंदर जा रहे हैं, हिसाब से लूट रहे हो ना। तो मैं रहीम भाई आए, टिकट लेना है हम लोग। और रहीम भाई बहुत पैसे ले रहे हैं। तो रहीम भाई बोल रहे हम लोग गाय 5 साल के अंदर है बोलते। 5 साल के अंदर जो भी लोग फ्री है उसके अबाव 20 रुपये है, फिर एडल्ट को गाय 50 रुपये है, और कैमरा और मोबाइल लेके जाने के अलग से चार्जेस हैं। तो अब हम लोग ले रहे टिकट, पीछे टिकट काउंटर है, टिकट ले लेके आगे देंगे। तो हम लोग ले लिए टिकट 2 अडल्ट और 1 फ़ोन के लिए। तो हम ना जा रहे, ये क्या रहो अंग्रेजा यहीं से अंग्रेजा दिख गए। तो टिकट्स ले लिए हम ना, आप जा रहे हम ना अंदर देखेंगे। सेल्फी स्टिक अलाउ नहीं है, इस पे लिखा हुआ है सेल्फी स्टिक अलाउ नहीं है बोल के। तो माई रहीम ले लेके आ रहे थे अंदर, तो पकड़ लिए नको आओ बोले। तो अंदर क्या है, फ्लैश भी अलाउ नहीं है, वीडियो क्वालिटी जैसी है वैसी लेना पड़ता है हम लोगों को। तो तुम ना देखो बैक कैमरे से सब, हम ना आगे एंटर। तो ये क्या है, हुक्के के नीचे के पोटा है पूरे। अरे भाई आपके जमाने के अच्छे है भाई, नहीं नए पोटा है, मगर ये क्या है बहुत कीमती है, एक्सपेंसिव चीज़ें हैं। और यहाँ भी है पूरे पोटा है। रेम भाई इसमें पानी ज़्यादा भरना पड़ेगा ना, एक दो लोटे ज़्यादा। 19 सेंचुरी का इंग्लैंड का पॉट है भाई वो। तो ये क्या है बोले तो चेस है, अपन जो खाली नॉर्मली खेलते हैं वैसा नहीं है। यहाँ पे पूरे एकदम ज़बरदस्त बने हुए हैं, राजा महाराजा सब बने हुए हैं चेस में, नाचने वाले गाने वाले प्यादे अलग हैं, वो अलग हैं। वहाँ पे अपना है स्टाइल, वहाँ पे भी है घोड़े मंत्री वगैरह, ये अपने स्टाइल के है। तो रहीम भाई खेलेंगे क्या गेम, आ जाओ बोले रहीम भाई गेम खेलेंगे। तुम ना भी कर रहे तो आ जाओ, क्या है अपन बात कर लेंगे म्यूजियम वालों से। तो ये क्या है, पूरे हाथी के दांतों से बने हुए हैं तलवारा वगैरह, तुर्की से ऐसे है ये सब। इसमें कलाकारी देखो, इनो बनाए, और रहीम भाई इनोज बनाए ना, इनो बनाए। तो यहाँ भी क्या है, ज़बरदस्त कलाकारी करे हुए है, ये भी हाथी के दांत, पूरे हाथी के दांत से बने हुए ये। तो मैं रहीम आ गए तलवारों के सेक्शन में, अपन तलवारा देखेंगे। रहीम भाई अर्थरुल की तलवार बोल रहे, तो तुर्किश के तलवारा कहीं भी रहे तो बताता हूँ मैं अर्थरुल की तलवार। तो तलवार है भाई नॉर्थ इंडिया मुगल स्कूल कहते हैं। रहीम भाई बोल रहे हमारे स्कूलों में तलवारा नहीं दे रहे बोल के। सैफ हैदराबाद डेक्कन स्कूल, लेट 17th century के है वो, अपन तकरीबन 19 के देख रहे थे, 17th century की है टोटली। यहाँ पे तलवारा है, वहाँ पे भाला हुए लगा हुआ है। अपन आगे जाएंगे, कवच बताता हूँ मैं आप लोगों को, कवच है एक कवच, राजा महाराजा सिपाही का है। तो यहाँ पे कवचा है भाई, बाहुबली में फेले सर के है कवचा, लेकिन उसका जल जाता हाथ दिखते ही नहीं, जलते सर का दिखा। ये लोहे के है या कॉपर के है मालूम नहीं पड़ रहा, मगर जबरदस्त है। कोट ऑफ मेल नॉर्थ इंडियन मुगल स्कूल 17th century का है ये भी। तो रहीम भाई बताते तुम लोगों को कौन से गाना है, रहीम भाई जरा बोलो। ये पूरे शॉट गाना है, पूरे शॉट गाना है। तो ये हेरा फेरी में जो उन्हें चोरी करता वैसी गन है ये। और रेम्बो वो गन कितने लोड करती, कार 98 की छुट्टी में ये गन 5 गोलियां लोड करती, कार 98 भी 5 करती, एक्सटेंडेड मैग लगे तो बड़के होते। तो यहाँ अपना देसी कट्टा है ऊपर, ये क्या है ये गनों को सामने चाकुआ लगे हुए, छोटे छोटे गोलियां हो गए तो क्या है चाकुओं से काम चला लेना बोल के। तो अपन जाएंगे अब दूसरे रूम में। तो पहले के लोग ऐसा कवच पहनते थे जबरदस्त, क्या भी होता। तो ये हिसाब से ऐसा करके अपने को क्या है इंडिया अलग करके दिए सो है।
तो ये पूरे क्या है पकड़ के चलने के वास्ते था सपोर्ट, मतलब राजा महाराजा सही भी रहे तो क्या है पकड़ के चलते थे इसको, तो गलती करते ये डंडे से सिर पे खाता था कोई भी कुछ भी करते इससे ही मार देते थे। तो अरे वाह, वो टाइम पे भी देखो कांच की कलाकारी, कांच है जबरदस्त बेहतरीन, यहाँ देखो ये तो टोटली पूरा कांच का है। तो अपन गोलकुंडे में दिख रहा था, यहाँ पे ला लिया गोलकुंडे में तो था रहीम भाई का दिल बोला है यहाँ भी तो बुना बोल गए, तो यहाँ भी ला लिया रहीम भाई। रहीम भाई इसके अंदर क्या है, रहीम भाई चलाओ नको सामने बैठो, लाइक करो फॉलो करो नैवड्री। तो मैं रहीम भाई आए क्लॉक के पास आए, इन बाहर निकल के कब बजाता घंटा, रहीम भाई को इन्हें बाहर निकल के कब घंटा बजाता देखना है कहते, तो हम लोग घंटा बजते को देंगे अब देंगे और आगे बहुत सारा 15 मिनट से ऊपर भी जाना है, अभी 15 मिनट के बाद यहाँ पे आएंगे अपन ये देखेंगे। तो परसों अपन बात कर रहे थे गोलकुंडे में कैसा जाते राजा बोल गया, आज मिल गया आपने कुछ का क्या इसमें बैठ के जाते थे ना रहीम भाई। तो प्लीज़ डू नॉट टच द एग्जीबिशंस बोल के लिखा हुआ है एग्जीबिट्स, तो अपन क्या है टच नहीं करेंगे रूल्स फॉलो करेंगे। तो चेहरा है, चेहरा बहुत पुराने हैं मगर धूल वूल भी साफ नहीं करे ऐसा दिख रहा है। ये क्या है पूरा आइटम एंटीक है, ये जो झुमरा दिख रहे ये अब खरीद के लगाए सो है नए, ये एंटीक पीस नहीं है पुराना। तो अपन नीचे हुक्के के पाटा देखे थे, ये उसके ऊपर रखने का है चिलम चिलमा है पूरे, ये तो बड़ा सर है भाई गाने में तो आई चिकनी चमेली छुपके अकेली बउआ चढ़ा गया वैसा शॉट है। और ये बोले तो छालिया तोड़ने का है, छालिया तोड़ने का है ना, छालिया तोड़ने का है वहाँ भी है, सरोता बोलते ना पान खा गए सरोता, ये लाल करेंगे क्या बोलते। तो ये अपने इंडिया की करेंसी है ओल्ड, तो थोड़ा देख सकते कैसी है, गांधी जी है इस पे भी, अरे यहाँ पे 1869 का है। तो ये देखो पूरे फ्रीडम फाइटर्स है इसमें तकरीबन, ये अपने थोड़ा भारी पैसे दिख रहे रहीम भाई ज़्यादा, यहाँ पे कम के है, ये है 100 का सिक्का भी दिख रहा है, 100 का सिक्का भी है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है बिल्डिंग बना दी है पैसों के, हाँ रहीम भाई रियल गोल्ड, रियल गोल्ड लूँगा और सिल्वर भी रियल है, सब रियल रहता था पहले, अब क्या है फेक बन गए सब, सब आर्टिफिशियल आ रहा। तो अब अपन जाएंगे यहाँ से बाहर, चलो रहीम भाई। तो अब हमला है मीर यूसुफ अली खान के जो था 133 वा बर्थडे एनिवर्सरी है, तो ये अपनी सैनिक पूरी पलटा नहीं है अपनी। तो ये क्या है स्कोप है, और ये चाय वगैरह लेके जाने के थालियाँ हैं, वहाँ पे डिश है, ये छोटे पीने के वो छोटी डिश है, ये हम ना मंदी की भी थाली खाए तो इतनी बड़ी नहीं रहती मंदी की थाली भी। तो ये देखो ये सालार जंग के जो थर्ड है चाइल्डहुड उन्होंने मीर यूसुफ अली खान की चाइल्डहुड की फोटो है ये। तो अब हम ला खड़े हैं यहाँ पे क्लॉक के पास खड़े हुए, क्लॉक का टाइम देखने के वास्ते 3 मिनट बाकी है भाई 3 बजने, तो उन्होंने आगे क्या है 3 घंटे मार देके चले जाते। रहीम भाई देख रहे कब आता बोल के बहुत इंतजार करा रहा भाई, ज़्यादा इंतजार हो जा रहा बोल रहे रहीम भाई, अब अपन ला देखेंगे क्या है। तो अब खाली 1 मिनट बाकी है, क्या बोलते हो सबर का ख़त्म हुआ, सबर करना ख़त्म हुआ, तो 1 मिनट है उन्होंने खड़े हुए अच्छे क्लॉक है, मुझे तो क्लियर नहीं दिख रहा, बैक कैमरा ऑन करता हूँ। तो आके बजा दे के चले गए, देखो भाई टू मच क्राउड है। और अंकल कहता है ना बढ़िया है।
तो ये महात्मा गांधी है विद सरदार पटेल, वल्लभ भाई पटेल के साथ महात्मा गांधी है। महात्मा गांधी के भी आपको स्टैचू आप बहुत दिखेंगे। और अपनी जो इंडिया, इंडिया की जो सबसे बड़ी है, इंडिया का दुनिया की सबसे बड़ी जो स्टैचू है सरदार वल्लभ भाई पटेल का, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल है। ये गांधी है, महात्मा गांधी, तो फैमिली है ये। तो आप लोग यहाँ पढ़े होंगे स्कूल में, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद विद द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया, इंडिया के जो फर्स्ट थे प्रेसिडेंट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये उन्होंने है। तो ये रविंद्रनाथ टाइगर है और ये महात्मा गांधी है, जो अपना जनागना मना लिखे वो रविंद्रनाथ टाइगर इनोच है। ये अपने जो महात्मा गांधी जी है, उन्होंने जो डमडम जेल में थे 1946, जो अपना देश आज़ाद हुआ उससे एक साल पहले की फ़ोटो है ये भाई। खाली कलाकारी देखो तुम ना, जो स्टैचू में जो कलाकारी दिए लो ना, देखो देखो वो उन्होंने आए, फ्रूट्स रखे हुए हैं उनके पास, फ्रूट्स हैं उनके पास, उन्होंने बगेज लेके जा रहे हैं, उन्होंने घास लेके जा रहे हैं। यहाँ देखो इनके पास बुक है, इनके पास अम्ब्रेला है, उखली और मुसल है, उन्होंने सांप की बीन है इनके पास, इनके पास डमरू और दो डॉग है, इनके पास भी डम क्या बोलते हैं बड़ा बाजा है, और इनके पास जरानती गोश वाले दिख रहे हैं उन्होंने। ये माँ और बेटा, उनके पास घड़ा रखा हुआ है, हाथ थोड़ा डैमेज हो गया, हाथ नहीं बता रहे वहाँ पे, हाथ टूट गया शायद। यहाँ पे देखो इन्हों अपने फादर को जो है कंधे पे बिठा के लेके जा रहे हैं, और ये साधु है। तो भाई देखो अपना इंडियंस कलाकारी। तो ये देखो भाई गांधी जी का स्टैचू, अल्हम्दुलिल्लाह जो कलाकारी है ना उसके बारे में हम बता नहीं सकते। और इनके पास जो वॉच दिख रही है, आप लोगों को वॉच दिख रही होंगी यहाँ पे, ये जर्मन के वॉच है। तो रहीम भाई बोल रहे फिर के बस हो गया भाई, थोड़ा एसी है यहाँ पे, एसी का मजा लेंगे बोले, तो एसी का मजा ले लेते रुके हुए है क्या रहीम भाई। तो ऐसे देख लेते अपन बाहर निकलेंगे। ये अपन जाएंगे अब जापानीज गैलरी है, जापानीज गैलरी में एंटर हो रहे अपन। तो अपन जापानीज गैलरी में एंटर हो गए, तुम ना देख सकते पूरे जापान की चीज़ें हैं, पूरी जापान की कलाकारी है। आप लोग ना देखे होंगे जापानी फिल्मों में ऐसे चीज़ें यूज होते। ये जापान के तलवारा हैं, मगर अपने इंडिया के तलवारों के सामने कुछ भी नहीं है क्या रहे भाई। रहीम भाई, हाँ भाई, शादी में मेरे को जहेज में यही सेट होना है। ये पूरा मेरे को छोना है रहीम भाई, क्या बोल रहा हूँ, म्यूजियम खरीद लेता हूँ रखने का, उससे परवाह नहीं है, मगर यही छोना है, जबरदस्त दिख रहा, एकदम रॉयल्टी फील आ रही है अंदर, जबरदस्त माहौल है। तो ये क्या है, पुराने जमाने की फ्रूट शॉप है, अंदर फ्रूट्स रखे हुए हैं पूरे डिट्टो डिट बने हैं भाई, सीताफला देख सकते हैं तुम ना, ऐसा देख के अपने को लग रहा नहीं कि ये पेंटिंग है कुछ बने से, बल्कि सीताफला है, जाम है, आम है, पूरी चीज़ें रखे हैं, टोकरी गिरी हुई है, अरे मस्जिद है, ट्वेंटी सेंचुरी की मस्जिद की फ़ोटो है ये, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह सुभान अल्लाह ज़बरदस्त है भाई। अब के ज़माने में ऊपर जाके अजान देते थे, माइक नहीं था, पहले छत पे जाके अजान दिया करते थे भाई, बहुत खूब है भाई, कुछ बता नहीं सकता मैं, एक्सप्रेस नहीं कर सका, उतना ज़बरदस्त दिख रहा खुतबे का, खुतबा जो करते हैं अपने पास जुम्मा की नमाज में, वो सीढ़ियाँ दिख रहे होंगे आप लोगों को यहाँ पे, कहाँ है उंगली मेरी यहाँ पे। तो ये बाजू भी देख सकते हैं आप लोग, गोल्ड स्मिथ सुनार पहले जो है ऐसा थे, अब फुल सिक्योरिटी है, उन लोगों को पूरी दुकान बना ली है, हथौड़ी है, पाना है, मंकी प्लेयर है, और ये चक्रा है, चक्रा धागा क्लोथ का बनाते थे। ये पान शॉप है जो पाना बना रहे, पान शॉप वगैरह है, ये नॉर्मल पान शॉप है, ये मधुपान देख सकते हैं आप लोग,
यहाँ पे क्या है, पहले जमाने में पान शॉप पे पॉट मार सकते थे, देख सकते हैं नो मार रहे पॉट। और ये पहले मम्मी लोग आप बच्चे को बाथिंग करा रहे, ये सन्यासी है, सन्यासी है। और ये लोग यहाँ बैठे हुए हैं, ये बगेज बगैर भीख मांगने वाले हैं। स्नेक चार्मिंग देखो भाई, सांप पकड़ने वाले। और ये पीछे ग्राउंड वगैरह ड्रामा जो चलता था वो है देखो। और ये विलेज कम्युनिटी, इन्हों क्या है पुराने जो भी है लोहा प्लास्टिक के सामान माचिस वगैरह वो जो है जयस का सामान बेचते थे। पीछे मच्छी मार्केट वेजिटेबल मार्केट है, तरकारी वरकारी है इनके पास, पूरी तरकारी है भाई देख सकते हैं। जबरदस्त कलाकारी है वेजिटेबल। ये फ्रूट्स मुलसा फ्रूट बेच रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह कपड़े तो जबरदस्त पहने हैं। तो ये पहले का ट्रेन, ट्रेन का है, टॉय ट्रेन का। तो अपने को क्या है पहले अगर एक्चुअली रियल में पैसा रहा तो अपने बता के बताए ये क्या है। टिकट काउंटर के जैसा कर दिए, इसको एक गार्डन वगैरह है, रोड है। तो ये पूरा पटरियाँ है, एक ट्रेन यहाँ पे खड़ी हुई है जो ब्रिज के नीचे है, और एक ट्रेन ये पटरी से वो पटरी पे जा रही। और रहीम भाई आगे दो ट्रेना है, बताओ सर रहीम भाई वहाँ देखो यार, रहीम भाई खड़े हुए हैं वहाँ पे, दो ट्रेना है, ये ट्रेना उधर ही चाहते। तो ज़बरदस्त है भाई, ट्रेन आगे का डब्बा गिर रहा है ट्रेन का। फिर वहाँ पे खाली इंजन है, सिग्नल है भाई ज़बरदस्त। वहाँ पे देखो रेड ब्रिटिश की ट्रेन है, वहाँ पे वेटिंग का स्टेशन है, ज़बरदस्त है भाई। सो रेलवे स्टेशन है ये, यहाँ पे आगे घराम भी बनाए हुए हैं। तो आप लोग यहाँ देख सकते हैं ये जो इंडिया की सबसे फर्स्ट मार्केट है मोजमजाई मार्केट, ये वो है रहीम भाई। हाँ भाई, ये पूरी चांदी की है मान लो। हाँ चांदी की है, कहते निज़ाम को गिफ्ट करके देना है। हाँ जब 15-25 साल हुए थे, हाँ जब गिफ्ट करे थे निज़ाम को। इसकी बनावट पूरी चांदी की है कहते। हाँ मोजमजाई मार्केट फर्स्ट मार्केट है इंडिया की। तो चलो अपन देखेंगे आगे। हाँ रहीम भाई अपन किधर कैमरा करें ना, ये आँखा उधर ही देखते हैं मालूम। हाँ और इसको पूरा डायमंड क्या है पेंटिंग के बीच में डाल के बने सो है, पीस के बने। हाँ पीस के पूरे डायमंड हाँ बने सो है। जूते भी देखो अपन इधर हटे तो इधर हट रहे दो, ये दो कलाकारी पहली की क्या थी भाई, ऐसी है मसला। जबरदस्त पेंटिंग है पूरी हीरे की, पूरी हीरे की है डायमंड पीस। दो ऐनों के बीच में डाले सो है इसको, हीरों को पीस करके ऐसा बने सो। हाँ बड़ा रहीम भाई अपनी बनाने लगे तो क्या आएंगा अवर रोम इसी पेंटिंग कितने रुपए लगेंगे। अरे आधा ने मेरा एक जूता बेच दिए तो हो जाता है। पूरी जायदाद बेच देना पड़ता अपने खानदान की, तो भी ना होता अवर रोम दो गिड्डियाँ निकाली है कल। रहीम भाई ये क्या है बोले तो पूरा सोने का बने हुआ है 10 किलो का। ये तुम्हारे कॉलेज होंगे ना कहते ना पब्लिक गार्डन में है सेम भी। हाँ है देखा तो सही लेकिन अंदर नहीं गया। हाँ मन है क्या पब्लिक गार्डन में एक बार वहाँ पे जाके वहाँ का भी व्लॉग बनेंगे भाई। 10 किलो का है कहते भाई गोल्ड का, तो सोचो इसकी कीमत क्या होगी अपन अंदाजा नहीं लगा सकते। ये क्या है बोले तो ओल्ड टाइम का जो है घर है, झाड़ों पे उसको छत डाल के गायों को रखे हुआ है। ये लोग जा रहे मारने करने बोल के, ये अपने सिपाहियाँ है बिल्कुल सो के गना वना पकड़ के इस पर शूटिंग कर रहे हो ना। शूटिंग रेंज है पबजी का देख सकते आप लोग। ये लोगों क्या है गोलियां लगने के वजह से गिर गए सो है लोग। ये लोग अभी भाग रहे लोग है पूरे, पीछे तोप है मिलिट्री का घर है, बड़ा तोप है। ये लोग पूरे घना लेके है, यहाँ पे जो भी डैमेज हुआ लोगों को लेके जा रहे हैं उस पर बिठा के। पीछे हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के अंदर भी लोग हैं देख सकते आप लोग। लोगों टच करने की वजह से जो है ग्लास गंदा हो गया, वो हिसाब से ब्लरिंग आ जा रही है वहाँ पे। भाई कोई भी टच मत करो, खाली देखो नीचे ब्रिटिश आर्मी है ये पूरी। भाई ब्रिटिश आर्मी को देखो जो अपने इंडिया वाले पूरों को हकाल दिए। गांधी जी सही तंदुरुस्त थे सर, पूरों को हकाल दिए, पूरों को मार दिए एक ही बार में। पीछे भाई तोप के गाड़ियां वगैरह है, नीचे ब्रिटिश की है भाई, पूरा ब्रिटिश है ये। घोड़ों पे सवार है ब्रिटिश वाले, ये भी ब्रिटिश की एयरफोर्स है। ये ऊपर तोप वगैरह है,
तो यहाँ पे देख सकते हैं अपन ब्रिटिश के गाड़ियाँ वगैरह है, आज भी अपने को फिल्मों में ऐसी बताते हैं, पूरा रियलिस्टिक दिख रहा है, टॉप वगैरह है पूरा। ये जो है पहले जो प्लेन वगैरह उड़ते थे ऐसा रोकने का करने का, ब्रिटिश का है ये पूरा। अपने पास तो अभी जब मैं हुआ था ब्रिटिश का है ये पूरा, ब्रिटिश आर्मी, ब्रिटिश पूरा, ब्रिटिश के शिप्स वगैरह है, टाइटैनिक भी है, लेकिन है टाइटैनिक पूरे शिप्स वगैरह है, सबमरीन्स भी है इसमें, ये जो अंदर रहते हैं पानी के अंदर जाते सबमरीन, वो पूरी ब्रिटिश की आर्मी है भाई, पूरी ब्रिटिश। पूरी ब्रिटिश आर्मी है यहाँ पे, प्लेन्स वगैरह एयरफोर्स है पूरा ब्रिटिश का। अगर मैं फास्ट जा रहा हूँ तो आप लोग वीडियो फ्यूज करके देख सकते हैं, पूरे गाड़ियाँ वगैरह है मिलिट्री के, ये टोप वगैरह लेके जा रहे थे इसमें, यहाँ पे हॉस्पिटल है, गाड़ियाँ हैं। तो हमला है अब सालारजंग के बाहर निकले अंदर के म्यूजियम से, आगे और एक ब्लॉक है उसमें जा रहे हैं अब हमला। धूप की वजह से मेरे को स्क्रीन में तो कुछ भी नहीं दिख रहा भाई, बहुत कड़क धूप है बारिश के दिनों में। देखो पूरा सालारजंग म्यूजियम, मैं ना सबसे गलत काम करे सेल्फी स्टिक अलाउ नहीं करे अंदर में, मेरे को या किसी को भी अलाउ नहीं है। पूरा अपन कर देंगे अब व्लॉग एंड। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन टू बी नोटिफाइड एवरी न्यू अपडेट।